हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान दी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। यार मैच आ रहे हैं, उस पर पाकिस्तानी मीडिया अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और पता नहीं क्या बोल रही है। ये वीडियो देखेंगे इतना पाकिस्तानी मीडिया ने सर्फ खा ली है, मतलब सर सही बात है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुकी है पाकिस्तानी मीडिया। हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो, उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, देखते हैं क्या बोलती है पाकिस्तानी मीडिया। बाकी बातें बाद में, काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। यहाँ पे आके तेरे को भोले अपने अपने बचात के चक्करों में 28 बॉलों में 32 रन, ये तू कौम की दुआ ले रहा है खड़ा होके घंटे ये झटके में पहुंचे हुए लड़के साले। भाई साहब आज का जो मैच था, किसी गधे को भी कप्तान बना देते ना, गधा अगर ड्रेसिंग रूम में बैठा होता उस गधे को भी पता होता कि अगर रिजवान आउट हुआ है तो बैटिंग आपने हारिस को नहीं भेजना है। अबे धूप चाट कर नेदरलैंड का पहुंचो यहाँ तक। नहीं मार सकता यहाँ नवाज, नवाज वहां मारता है जहाँ बगैर ग्लूकोज के छक्का लगता है। एक देखे इतना बड़ा मैच है, आपको इतनी तोकल होनी चाहिए। पहले तो रिजवान वो 2 किलोमीटर दूर बॉल था उसको बैट से, सुबह से मेकअप कर रही थी मेरी बच्चिया, वहां पे मेकअप उतार के बैठ गई है, शक्लों पे हार नजर आ रही है। ये 80,000 लालत है तुम लोगों को मिलेगी। What a brilliant brand of captaincy by Jos Buttler. What a brilliant bowling by Sam Curran and Adil Rashid. यार Sam Curran 12 रन देके 3 आउट कर रहा है। तुमने पूरी 2 दिन तुमने ये किया? चेक फाड़ दे तुमने कर क्या रहे थे जाके सारे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के नए वीडियो में। दोस्तों आज इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान के मुंह पे जोरदार तमाचा मिला है, क्योंकि जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया था तो उसमें पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रही थी कि भारत हार गया और भारत के जो प्लेयर्स हैं वो बिके हुए थे और भी कई सारी बातें उन्होंने बोली थी। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया अपने क्रिकेटरों पर इतना ज्यादा गुस्सा है, रमीज रजा पे, बाबर आजम पे, और उनको गालियां भी दे रही है। दोस्तों कह रही है बाबर आजम जो है वो घंटे का किंग बनता फिरता है, वो केवल अपने 50 रन के लिए खेलता है, उसको टीम से कोई मतलब नहीं रहता है। और दोस्तों आज ये भी पाकिस्तानी मीडिया बोल दी कि तुम सब दूसरे का थूक चाट कर यहाँ सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और आज फाइनल में खेल रहे थे और तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा दी कि तुम लोग किस तरह के खिलाड़ी हो। तुमसे अच्छा तो एक गधा भी कैप्टनगिरी कर सकता है, जैसे कि वो बाबर आजम को बोला जा रहा है कि तुमसे अच्छा एक गधा भी अपने प्लेयरों को समझा सकता है कि कब किसको भेजना है और किस तरह से खेलना है। दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के प्लेयरों पे भड़की हुई है। न्यूजीलैंड की थकी हुई बॉलिंग, छोटे स्टेडियम में दोनों भाइयों ने मिलकर अपने अपने 50 कर लिए, आखिर में मैच बदला के चले गए। अबे तू 20 ओवर में 152 रन तेरे से नहीं बन रहे, तू आके फाइनल में एमसीजी में खड़ा हो गया और यहाँ पे आके तेरे को भोले अपने अपने 50 के चक्करों में 28 बॉलों में 32 रन, ये तू कौम की दुआएं ले रहा है खड़ा होके घंटे के चाचा सर फाड़ देगा मुझे लग रहा है। बोल देना हमें बोल देना चाचा यार, खेलने जाने 150 रन बोलर को तो करके दो ना यार, क्या डिफेंड क्या करेंगे तुम्हारे बोलर। हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं ये वाली बातें करना, भी इंडिया आ रहा, गालियां दी हैं उन्होंने, गालियां दी हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स को, हम गाली तो नहीं दे सकते लेकिन हरकतें देखो इनकी यार। ये साजिशी टीम है, ये झटके में पहुंचे हुए लड़के साले के जैसे 30 बार खाने, बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा दिया। अबे धूप चाट कर नेदरलैंड का पहुंचो यहां तक। मैंने क्रिकेटर्स को मैसेज किए कि भाई ये बताओ ये क्रिस वोक्स हाफ वॉली दे रहा है, ये दोनों हाफ वॉलियां लॉटरी शो करे, पाकिस्तानी स्टाइल की विकेट और इंग्लैंड ने यूटिलाइज कर लिया, स्लो विकेट है वो, स्लोर वंस करते रहे, यहाँ पे बेस्ट राइट पावर प्ले था, पीछे वालों का जनाजा निकाल दिया। अब मैंने बोला ये मोहम्मद आरिस 70-80 मीटर पे तो मार देगा। सुबह से मेकअप कर रही थी मेरी बच्चियां, वहां पे मेकअप उतार के बैठ गई है, शक्लों पे हार नजर आ रही है, ये 80,000 लालत है तुम लोगों को मिलेगी। सही बात यार, ये क्रिकेट खेलोगे तुम फाइनल में 92 की ग्लोरी, अबे कौम की दुआओं पे तो यहां तक आए भाई तू। ये 3-4 बॉले खेलने वाले पे ना बात करो, बाकियों ने भी खेली है। शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहा था, बाद में उसे गैरत आई, अगर वो स्ट्राइक करता रहता
तो पाकिस्तान असल में 160 पे चला गया। हाँ। मैं यही फिवाई को कह रहा था, तू मार मैं 50 नहीं, ये वाला सीन था। ये जो शादाब खान ने रन किए हैं ना, मैं ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान इंग्लैंड की बैटिंग से डर कर 160 की तरफ जा रहा है, गलत कर रहा है। अगर ये विकेट गिर गई, नहीं मार सकता या नवाज वहां मारता है जहां बगैर ग्लूकोज के छक्का लगता है। कौम ने तुम्हारे लिए कुदरत का निजाम डलवा दिया, ठीक है, तुम यहां तक पहुंच गए, थोड़ी सी शर्म और गैर। अबे 100 रन पे आउट हो जाते, इंटेंशन शो करते, तुमने वही तके हुए बल्लेबाज के एक मैच हार जाएंगे, लोग गालियां देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, साजिश ही अनासिर हो तुम लोग। जिस तरह की चाचा गुस्सा भी मुझे भी दिला रहा है, मुझे ठंडा हुआ था। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय सैम करन एंड नादल राशिद, what a brilliant fielding and game awareness and execution of the plans, full marks to team england। england ek maqsad ke sath utra tha aur us maqsad ko kamyab hone mein bilkul unhone hissa dala, unke sare players ne, har ek bande ne unka jis tarah chip in kiya, initial success of the team and cumulative success of the team। liam livingstone ko aap le le, 3-3 catches pakadne hain, sam karan ko le le, फाइनल के अंदर 4 ओवर में 12 रन देके सिर्फ 3 विकेट ले रहे हैं। आप आदिल राशिद को ले लें, 4 ओवर में 22 रन दे रहे हैं। सबको ये बात पता है पाकिस्तान आज फाइनल खेल रहा है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान की बैटिंग लिमिटेशंस है जो आज इंग्लैंड ने एक्सपोज कर दी। सही बात है यार भाई, मैं मेरा गुस्सा भी ठंडा हुआ था इस चाचा ने, चाचा ने और गर्म कर दिया, ऐसी बातें कर दी है यार। सही बात है भाई, गुलू को ये हर्ष क्यों फाइनल में कर क्या रहा था? पहले मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर दो, उसने बॉलिंग कराई नहीं, उसने बैटिंग की नवाज क्या कर रहा था ब्रो, बताओ ना। उन्होंने वहां पर ऑलराउंडर है हमारा, उन्होंने वो किया जो जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था। सीरियसली सीरियसली इतना कम टारगेट, उनका मार्क वुड शुक्र है नहीं था, मार्क वुड होता तो हम 100 पे ढेर थे। ओ यार मैं कहता हूँ, कसम से मैं अब बता रहा हूँ यार, इन अगर इन्होंने फिर इस तरह के चवल खिलाड़ी अगर खिलाए ना, तो मैं हमारा बायकॉट हो जाएगा और जो इनके ट्विटर पे जाके मैं गालियां दूंगा। ये बाबर आजम ईगो में पड़ा हुआ, इसको पहले टीम कैप्टनसी से निकालो भाई। बात से यार अपने लिए यार, हमारे प्लेयर सच में सेल्फिश है यार, इधर पूरी आवाम ने एक, मैं कहता हूँ एक गांड के रास्ते से नहीं बताया, हर रास्ते से बता चुकी है आवाम कि भाई तू सेकंड पे आ, और ये भी बता चुकी है भाई तू तू भाई तू इमाद वसीम, तू शर्जील खान, तू शोएब मलिक, तू इन इनको रख भाई, तू रख लेना यार। अगर विकेट गिरती हैं कम से कम उनको पता होता है हमने डिफेंड कैसे करना है। चाचू भोसड़ी का भाई वो किस काम का है यार, चाचू आया है स्टॉप ऐसे कर रहा जैसे 50 ओवर पड़े, उसकी फट गई थी उस बालों से, बालों को देखकर बेड़ा नवाज कर दिया यार। नवाज भाई चरस पी के रात को लगता है हिला के आया था वो बंदा यार, मुझे नहीं समझ में, सही बात है मुझे ये क्या यार, मैंने यार मैं क्या बोलूं उस पे यार, मुझे नहीं समझ आ रही यार, यार ऐसा तो भी नहीं होता यार। आए ना तो इस खासकर 3-4 प्लेयर का मैं बोलूंगा उनको गद्दों पे बैठा के चप्पलों के हार पिला के। जिम्बाबर जिम्बाबर परफेक्ट नाम देते हो आप लोग, परफेक्ट नाम दिए जिम्बाबर, सही में जिम्बाबर है वो। लिपस्टिक खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा तो यार भाई।